लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रदेश भर में धन्यवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं धन्यवादी कार्यक्रम करने के लिए, किस तरीके से आप देख रहे हैं इन कार्यक्रमों को और जो लोग वहाँ पर जुट रहे हैं उसको लेकर के क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, जितना जोश है, 36 बिरादरी जो है वो एक किस्म से एक संकेत है ये कि हरियाणा के 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि अगली सरकार हरियाणा के कांग्रेस की हो। सर, सरकार लगातार फैसले पे फैसला कर रही है, कभी 100 गज के प्लॉट देने को लेकर के, अभी देखा हमने OBC को लेकर के एक फैसला किया गया है कि उसकी क्रीमी लेयर जो है 6 से 8 लाख कर दी गई है, कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को आप? देखिए, ये 100-100 गज के प्लॉट की कोई स्कीम नहीं है इनकी, ये तो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना थी, वो हमारी स्कीम थी, इन्होंने जब भी बंद कर दी थी 2014 में। जो ये दिखा रहे हैं देवे, वो प्लॉट हैं जो ऑलरेडी अलॉटेड हैं, किसी वजह से पोजेशन नहीं मिली, दो चार पाँच हज़ार प्लॉट हो गए ऐसे। और मेरे पास ये भी शिकायत मिल रही है, अलॉटमेंट लेटर ऐसी जगह का दे रहे हैं जहाँ ऑलरेडी जोड़ बने हुए हैं, तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, धोखा दे रहे हैं लोगों की आंखों में। और जहाँ तक OBC के सवाल है भाई, 8 लाख से इन्हें 6 लाख करी पहले, जबकि हमने कहा था, वहाँ उठाया केंद्र में 8 लाख थी, तो उस समय हमने असेंबली में भी कहा था भाई तुम क्यों इसको कम कर रहे हो, 8 लाख जब केंद्र करे वो करो, हम तो हमारी सरकार की तो हम 10 लाख करेंगे। और इसमें मतलब एक्सक्लूड की जाएगी जो केंद्र एग्रीकल्चर और तनख्वाह सैलरी। सर, जो ये बदलाव है इन्हें आप चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं या मुख्यमंत्री का जो चेहरा बदला है उसकी वजह से ये बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं भाई, इनको पैर खिसक गए इस वास्ते, हाथ पैर मार रहे हैं, मिलना कुछ नहीं, क्योंकि उपलब्धि कुछ नहीं है इनको, कोई गिनाने को कुछ नहीं है, वैसे लोगों को जो है बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, HKRN को लेकर आपने एक बात कही आज, किस तरीके से आप HKRN लास्ट सवाल HKRN को लेकर के सर, आपने घोषणा किया कि अगर सरकार आएगी तो क्या HKRN को लेकर क्या रहेगा? नहीं, ये तो युवाओं के साथ धोखा है, ना तो यहाँ रिजर्वेशन है, ना मेरिट है, ना यहाँ पक्की नौकरी है, और इसकी वजह से 2 लाख जो है पक्की नौकरियाँ खाली, हम 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे और ये लोगों के साथ धोखा देना बंद कर देंगे, युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना, अपने आप ही खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ। सीधे तौर पर HKRN को खत्म करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है या सरकार जो कदम उठा रही है वो दिखा रहा है कि सरकार के पैर डगमगा चुके हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।